शारदा नारायण बालक बालिका जिला स्तरीय क्रिकेट गोल्ड कप का हुआ उद्घाटन। शारदा नारायण बालक बालिका जिला स्तरीय क्रिकेट गोल्ड कप का उद्घाटन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मऊ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय सिंह ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए ये आश्वासन दिया कि आपको जो भी भविष्य में जरूरत पड़ेगी उसके लिए मऊ क्रिकेट संघ हमेशा आपके साथ रहेगा। साथ ही जो होनहार बच्चों का चयन कर उन्हें स्पेशल कैंप करने के लिए कानपुर भेजा जाएगा। मऊ क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष अजित सिंह ने खिलाड़ियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उद्घाटन मैच सरफराज क्रिकेट अकादमी घोसी वनएसीए मऊ के बीच खेला गया, जिसमें मऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें निर्धारित 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 108 रन बनाए, जिसमें सत्यम चौहान ने सर्वाधिक 40 रन का योगदान दिया। घोसी की तरफ से आरिश ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके। जवाब में बल्लेबाजी करने उत्तरी घोसी की टीम ने निर्धारित लक्ष्य को 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। घोसी की तरफ से आदर्श ने सर्वाधिक 37 रन का योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें मैच ऑफ द मैच से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर उपक्रीड़ाधिकारी मुकेश सबरवाल, सेक्रेटरी साबिर खान, नाजिर खान आदि लोग मौजूद रहे। इनका आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे जिला स्पोर्ट्स के अधिकारी श्री मुकेश सबरवाल साहब, हमारे क्रिकेट उपाध्याय छोटे भाई श्री अजीत सिंह नजीर भाई, हमारे सेक्रेटरी साबिर अली, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और आप सबके सहयोग से ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इसमें मकसद यही है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को खेल का अच्छा एक्सपोजर दिया जाए, उनको एक मौका दिया जाए। क्रिकेट जब तक क्रिकेट मैच नहीं कोई खेलता तो मैच का एक अनुभव अलग होता है, नेट प्रैक्टिस एक अलग होती है। इसीलिए अधिक से अधिक आज मैच कराया जाएगा और बच्चे यहाँ खासकर जो छोटे बच्चे हैं, आप अंडर 16 अंडर 14 ऐसे बच्चों का भविष्य है, ये बच्चे ही कल के बड़े खिलाड़ी बनेंगे। और मैं अपने जो हमारे गाजीपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं संजीव सिंह, जिनके हमेशा उनका हमको आशीर्वाद मिलता रहा है, इस समय वो लखनऊ में है, उम्मीद करेंगे कि फाइनल में वो जरूर आएंगे। और बीसीसीआई का भी जो एक सपना है कि छोटे छोटे शहरों में क्रिकेट खिलाड़ी को बनाया जाए, और राजीव शुक्ला जी, योजेंद्र सिंह जी, सभी लोग लगे हुए हैं कि जो ऐसे हुनर अगर कोई मिलता है, हमसे बताया गया है कि अगर कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो आप ले आइए उनको कानपुर में और उनको अच्छी शिक्षा तक वो एक क्रिकेट ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने दिनों तक चल रहा है ये? एक हफ्ता चलेगा प्रोग्राम, एक हफ्ता चलेगा, तमाम मैच कराए जाएंगे और हमें लगता है कि 8 से 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं बालक बालिकाओं का, और भी अगर टीमें जैसे आएंगी तो अभी प्लानिंग और उम्मीद है कि अच्छे मैच खेले जाएंगे। जिसमें विजेताओं को उसके लिए क्या होगा? विजेताओं को प्रोत्साहन और राशि भी दी जाएगी और कप भी दिया जाएगा, और जो उसमें अच्छे खिलाड़ी होंगे मैन ऑफ द मैच और जो पुरस्कार होता है वो दिया जाएगा, और उसमें जो बेस्ट खिलाड़ी होगा कोशिश किया जाएगा उसको कानपुर में स्टेडियम में ले जाके अगर उनको अगर अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हमारे DSO साहब के भी तमाम लोग कानपुर में हैं जो वहाँ पे अच्छे पद पे हैं, तो उनसे अनुरोध करके सभी लोगों का खेल को बढ़ावा देने के लिए आप सभी लोग यहाँ जुड़े रहते हैं। मैं अपने जिला क्रिकेट अधिकारी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमेशा आए और इससे बच्चे अच्छे आते हैं स्टेडियम, अच्छा स्टेडियम की साज सज्जा मेंटेनेंस का भी बहुत ध्यान रखते हैं, जिससे खिलाड़ियों का मन लगा रहता है, और हम हमेशा जब भी आते हैं स्टेडियम में जरूर उसमें कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ नयापन सुधार दिख रहा है।